दावा हमने करनी है, चिंता हम कर रहे हैं कि वो समय कब आए जब इलेक्शन का बिगुल बजे। तो लगातार जम्मू में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, टाइवर पे अच्छी डेलीवेजर की बात करें, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल पे एलिवेजर की बात करें, तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इरीगेशन फ्लड कंट्रोल के जितने भी डेलीवेजर्स हैं, इनको 404 दिन हो गए प्रदर्शन पे, लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन इनको मांगों को लेकर अभी तक जो है वो जागी नहीं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपके ऊपर जो है एक कमेटी भी फ्रेम की गई थी, वो कमेटी कहाँ गई अभी तक? जो है आपको 404 दिन हो गए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, लेकिन अभी तक जो है आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। सर वो जो कमेटी है वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, मगर जो फार्मर मिनिस्टर है श्यामलाल शर्मा जी वो जगे हुए हैं, वो खाली जगे हुए, वो कहते हैं अगर 61,000 डेलीवेजर का है जो ये जनरल है, इनका मसला हम ही हल करेंगे, क्योंकि वो हमारे मंत्री रह चुके, वो हमारे बारे में बाखूब जानते हैं कि ये जो 61,000 डेलीवेजर है ये किस स्थिति में जा रहा है और इनकी क्या कंडीशन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कहते हो कि हाँ इनका काम करेंगे, आखिरकार करोगे कब? देखिए मेरे भाइयों की जिंदगी, आपके इलेक्शन भी आने वाले हैं, सरकार ये कह रही है पिछले बार से ज्यादा इस बार सीटें निकालेंगे, क्या आपको लगता है भाजपा इस बार बहुमत में आएगी? जम्मू वाले तो आएंगे नहीं सामने, ये तो सब क्लियर बात है। आपने देख लिया जो गरीब लोग, जो विडो पेंशन जिनको मिलती थी, और भैया उनकी विडो पेंशन बंद कर दी, अगर कोई 1,000 रुपए मिलता था वो 10 रुपए का पैरासिटामोल की टिक्की का पता ले सकता था। हम 9,000 लेने वाले 11,000 बिजली का बिल देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ है? ये हम लोगों को रगड़ा नहीं जा रहा? और देखिए हमारी इतनी बुरी कंडीशन कर दी, कभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कभी हम लोगों के घरों में आइए, हमारा एक लड़का है आरसपुरा का, उसके सर के ऊपर छत नहीं है, जो पूरे बेनिफिट होते हैं गरीब लोगों को देने वाले, वो कहते हैं ये मुलाजिम, ये कहाँ का मुलाजिम है? परमानेंट मुलाजिम को आप 27,000 दे रहे हो, और डेली वेजरों के बारे में अगर पैसा देना हो तो लीडर कहीं ना कहीं कहते हैं हमने जो है लोगों के काम किए हैं, हम लोगों के काम कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, चिंता नहीं करनी। देखिए चिंता वो हमने करनी है, चिंता हम कर रहे हैं कि वो समय कब आए जब इलेक्शन का बिगुल बजे। अब चिंता हमारी धीरे धीरे दूर हो रही है, इलेक्शन का बिगुल जो है वो बज चुका है, अब हम बताएंगे चिंता करनी है या चिंता नहीं करनी। काउंसिल के इलेक्शन भी आने वाले, म्यूनसिपलिटी के और पंचायत के हों, तो इसमें आपकी तरफ से क्या वोट किया जाएगा? इसकी तरफ जो आपने मुझे कहा काउंसलर के जो चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाली है, वो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे हमने वोट डालना है या नहीं डालना है। जनता जनार्दन है, जनता खुद जानती है लोगों के साथ क्या हो रहा है, किसकी थाली में आटा है, किसकी थाली में चावल है, किसकी थाली में खाली है, वो जनता खुद ही बताएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर कितने दिन हो गए आज आप बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, और सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रही? अहें 404 दिन हो गया बैठे थे, पर अहें गवर्नमेंट की तरफा कोई भी रिस्पांस नहीं मिलया, मतलब कोई गवर्नमेंट जनू दी तू भी सुती दी के सुती दी है, अहें कोई भी पता लगा दा, पर अहें हुन मजबूर होई अहें सड़का भरावना पिया, ते अहें चाहने कि गवर्नमेंट साडा जल्दी कोला जल्दी साडा फैसला करा, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, साडा इह स्लोगन है, और अहें लिए जाके भावें अहें अपने प्राण भी देना पाउण तो भी अहें मंजूर है, क्योंकि साडे कोल बचे दा क्या हुण जरा घर लिया जाचा, दसो ना अहें क्या लिया जाचा, बच्चे को मुंशपाली मूँह निकले, पेरेंट्स को अपने मुंशपाली रिश्तेदार अस नहीं बैठी सकते, जाचा तो जाचा कुत्थे, मतलब साढ़ी 70-70 महीने पेंडिंग भेजी है वो नहीं मिली है, साढ़ी मिनिमम प्रोजेक्ट है वो नहीं मिलिया, पॉलिसियां हैं वो नहीं मिली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट एल जी साहब आना, मतलब सेंटर का हर गवर्नमेंट के सेंटर का कोई ना कोई सेंटर का हर हफ्ता स्टेट का आवा, मतलब प्रोजेक्ट लिया उन्होंने कहते प्रोजेक्ट आना, अहें प्रोजेक्ट के वास्ता जब तक अहें अपनी पॉलिसी नहीं लभी तब तक अहें घर वापसी नहीं जाए। जय भारत।